हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम पढ़ाने के लिए आपके पास नहीं आए हैं, आज यूजी क्रैश बैच की स्टार्टिंग कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। आपको बैच के बारे में सारा डिटेल आज हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और एक बार स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट भी है, और आप लोगों का सपोर्ट प्यार जैसे मिल रहा है ऐसे आप आगे भी देते रहिए। स्टार्ट करने से पहले चैनल को शेयर कर दीजिए। कोई भी एससी एजी कर रहा है या कर लिया है वो अपने छोटे भाई तक शेयर कर दे। जो इंटर एग्रीकल्चर में है या तैयारी बीएससी एग्रीकल्चर की कर रही, यूपी कैडेट की तैयारी वो कर रहा है, तो अपने बैचमेट या अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, जैसे कि उसको भी ये इंफॉर्मेशन या सारी डिटेल उसको भी मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाता है। इस सेशन में क्या क्या चीजें हम कराएंगे और किस पे हमें बात करनी है, तो जैसे कि आपको यहां पे लिखा है यूजी इंट्रेंस क्रैश बैच, तो जो आपका यूजी यूपी कैटेट, मेनली यूपी कैटेट बीएचयू के थ्रू भी बीएससी एग्रीकल्चर होता है, लेकिन वो ऑल इंडिया होता है तो वहां पे थोड़ा टफ पड़ता है। लेकिन यूपी कैटेट जो है, लगभग यूपी के 95% बच्चे यही सोचते हैं हमारा बीएससी एग्रीकल्चर किसके थ्रू हो जाए, यूपी कैटेट के थ्रू। हमारा पूरा फोकस किस बैच पे है, यूपी कैटेट बैच पे है। तो इससे रिलेटेड जितनी सारी चीजें होंगी उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यूजी मतलब आप जानते हो अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट में क्या होता है, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी होम साइंस, बीटेक एग्रीकल्चर होता है, बीएससी फिशरीज होते हैं, तो ऐसे और माइनर सब्जेक्ट भी हैं। तो कहने का मतलब मेजर क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर ही है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर नहीं पता है तो हम आज बताने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीजें बेसिक हो जाती हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्या है आपका, बीएससी एग्रीकल्चर, क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। यहां पर लिखा बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, ऐसे बीएससी और सारे सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगला देखेंगे, जैसे कि इसमें कौन सा बच्चा फॉर्म डाल सकता है, भाई जो ट्वेल्थ एग्जाम दे दिया है या पास हो गया है, ठीक, अपेयरिंग में आप डाल सकते हो, या आप पास कर लिए हो, आपका एक साल ड्रॉप हुआ, दो साल ड्रॉप हुआ, वो भी बंदा या वो भी बच्चा फॉर्म डाल सकता है। तो इस दो बच्चों के लिए, एक जो ट्वेल्थ में है या एक पास कर लिए हैं, तो भाई एक साल या दो साल उनका ड्रॉप है, तो इन दो बच्चों के लिए ये बैच कारगर साबित होने वाली है। इन दोनों बच्चों के पीछे मैं काम करूंगा, और उन बच्चों के लिए ये बैच है जिनकी तैयारी बेकार है या इन जिनकी तैयारी अच्छी है, दोनों बच्चों के लिए ये बैच कारगर होगा। कैसे होगा, जिन बच्चों की तैयारी बेकार है वो अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं, कैसे वो हम बताएंगे, या जिस बच्चों की तैयारी अच्छी है वो बच्चा इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकता, कैसे वो भी हम बताएंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे क्या करेंगे इस बैच में। तो मैंने आपको पहले ही बताया इस बैच में हम किसकी तैयारी करने वाले हैं, यूपी कैटेट की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। यूपी कैटेट क्या होता है, जैसे कि एक एग्जाम का नाम है, इसके अंतर्गत चार यूनिवर्सिटियां आती हैं। वो चारों यूनिवर्सिटियां कौन कौन सी हैं, बहुत बेसिक चीजें आपको पता होगा। तो इसमें पहला क्या है, सीएसए जो यही कानपुर में है, और दूसरा क्या है, एनडी आचार्य नरेंद्र देव जो कुमारगंज अयोध्या में है, और तीसरी सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में है, और लास्ट बादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहां पे है, बादा में है। ये चार यूनिवर्सिटियां हैं, चारों के अंदर कोर्स चलते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर, बीएससी फिशरीज, बीएससी होम साइंस, ये सब कोर्स इसके अंतर्गत चलते हैं, और चारों का कंबाइंड पेपर होता है किस नाम से, यूपी कैटेट के नाम से। तो हमेशा एक एक यूनिवर्सिटी पेपर कराती है, एक साल कोई और कराएगी, दूसरी साल कोई और कराएगी, तीसरी साल कोई और कराएगी, तो इसके बारे में अभी हम सारी डिटेल आपको देते हैं। तो रैंक वाइज बच्चा एडमिशन लेता है, रैंक वाइज बच्चा अपनी सब्जेक्ट को फिल करता है, हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, ये सब चीजें, ठीक है। और इसका पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे
कि एग्जाम पैटर्न या पेपर का पैटर्न। अब यहां पे आपको एडमिशन लेना है तो एक पेपर देना, उस पेपर का नाम क्या है, यूपी कैटेट। इस पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए सारा सब्जेक्ट का नाम लिखा है, पहले क्या हो गया फिजिक्स, दूसरा क्या हो गया केमिस्ट्री, तीसरा जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज या करंट अफेयर भी आप इसी में इंक्लूड कर सकते हो, और एग्रीकल्चर। इतने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं 200, और कितने सब्जेक्ट आते हैं आपके सामने है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं इसके सामने देखिए लिखा, फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री से 25, जूलॉजी से 25, बॉटनी से 25, मैथमेटिक्स से 20 और जनरल स्टडी जो आती है करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आते हैं, और एग्रीकल्चर से आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं। तो एग्रीकल्चर में भी डिवाइड है, किसमें आपके डेयरी या एनिमल हस्बेंड्री से कितने आते हैं 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन किससे आते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, और 25 किससे आते हैं आपके सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी से। एग्रोनॉमी मतलब सीरियल क्रॉप्स, सॉइल साइंस आप समझते हैं। और यहां पे 15 क्वेश्चन किससे आते हैं हॉर्टिकल्चर से, हॉर्टिकल्चर में ओलरीकल्चर, पोमोलॉजी और फ्लोरिकल्चर भी कुछ टच में रहता है। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए होंगे कि यूपी कैटेट एग्जाम के अंतर्गत कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां आती हैं, उसका पेपर का पैटर्न क्या है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि यूजी एंट्रेंस क्रैश बैच के बारे में, तो एक एक करके देखते हैं इसमें क्या आने वाली चीजें हैं। देखिए इस जो ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम क्या क्या चीजें देंगे, क्या फैसिलिटीज देंगे। पहली फैसिलिटीज क्या है हमारी, सभी विषय कवर कराएंगे, जो सभी विषय हैं वो हम उसको क्या करेंगे, कवर कराएंगे। कैसे, लेक्चर के माध्यम से। लेक्चर हमारा अभी जो ये बैच है टोटल ऑफलाइन स्टार्ट हो रही है, टोटल ऑफलाइन। हमारा ऐप भी बन गया है, उस पर भी अब कुछ काम पेंडिंग है, कुछ समय हम लगेगा तब हम वो चीज करेंगे। देखिए बैच अनाउंस करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम आज 2 महीने से इसी के पीछे लगे हैं कि ऑफलाइन बैच हम जल्द से जल्द स्टार्ट करें। आज इस कंडीशन में आ गए हैं कि हम बैच अनाउंस कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास सारी व्यवस्था हो गई है कि हम ऑफलाइन के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि सारा सेटअप हो गया है, स्टूडियो सब कुछ ऐप, लेकिन अभी और सारी चीजें होती हैं कि जहां पे हमें लग रहा है कि अभी हमें नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ वो भी समय जल्द से जल्द आ जाएगा तो हम वो भी आपके सामने वीडियो लेके आएंगे उस पर भी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सभी विषय को कवर करेंगे, जितना आपको अभी मैंने दिखाया एक एक टॉपिक वाइज सारी चीजें आपको कवर करेंगे। और क्या करेंगे, इसमें हम प्रिंटेड नोट्स आपको देंगे। देखिए लिखाने वाली बात है, टीचर क्लास लेगा, लेक्चर लेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लिखाएगा, लेकिन जो प्रॉपर नोट्स होता है आपको टॉपिक वाइज सारा नोट्स मिलेगा। दिक्कत कहां होती, मान लीजिए किसी कारणवश आप 2-4 दिन क्लास नहीं ले पाए, ठीक, आप गांव चले गए, आपकी तबीयत गड़बड़ हो गई, फिर वहां पर दिक्कत आती, आपको प्रिंटेड वाइज पूरा नोट्स मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज एग्रीकल्चर का, जूलॉजी बॉटनी का, फिजिक्स केमिस्ट्री सबका एक नोट्स मैं आपको प्रॉपर दूंगा। वो पूरा नोट्स हमारा डिजाइन हो चुका है, जब आप एडमिशन लो लोगे तो आपको हम समय समय पे सारा नोट्स देते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी, 25 फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे, 25 टेस्ट आपको मिलेगा। किस बेस पे, यूपी कैटेट के बेस पे, जैसा यूपी कैटेट का पेपर होता है उसी बेस पे पूरा कराएंगे, ये ऑफलाइन फैसिलिटीज है। और जैसे कि वहां पे OMR आप फिल करते हो, वैसे यहां भी हम फिल कराएंगे। ठीक है, प्रॉपर उसी जितना क्वेश्चन वहां पूछा जाता है एक सब्जेक्ट से, उतना क्वेश्चन यहां भी देंगे प्रॉपर, और उसी क्वालिटी के बेस पे, जैसे जो यूपी कैटेट की क्वालिटी है उस बेस पे हम टेस्ट लेंगे। क्योंकि 5-6 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं अच्छे से, सारे लोग जानते हो, ये कोई नई बात नहीं है। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि नई बात है, सारे बच्चे जानते हैं, हमारे बच्चे BSc एग्रीकल्चर करके IRI तक पहुँच गए हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से MSc भी कर रहे हैं, कुछ तो PhD कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, इस पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए इसमें आपको 25 फुल लेंथ टेस्ट देंगे। और देखिएगा अल्टरनेट
तो कह सकते हो, नहीं तो हफ्ते में दो दिन, हफ्ते में दो दिन इस टेस्ट को छोड़ दिया जाए, हफ्ते में दो दिन मैं क्लासरूम टेस्ट कराऊंगा। क्लासरूम टेस्ट मतलब समझते हो, 25 to 30 क्वेश्चन देंगे, आधे घंटे के अंदर कहेंगे आप जल्दी से इसको फिल करिए, फिल करने के बाद वहीं 5 मिनट में आपको मैं रिजल्ट सुना दूंगा। ये चीजें मैं क्लासरूम टेस्ट कराऊंगा। और क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी देखिएगा, देखिए डेली 20 क्वेश्चन या फैक्ट्स दिए जाएंगे। फैक्ट्स मतलब आप समझते होंगे वन लाइनर। मैं आपको डेली क्लास में, जैसे मेरी क्लास है, मैं अपनी क्लास के लास्ट में 5 मिनट आपको टाइम दूंगा, कह दूंगा बेटा जी इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन डेली आपको वन लाइनर मिलेंगे। उससे क्या होगा, अगर आपको मैं 20 क्वेश्चन दे रहा हूं, क्रैश बैस अगर 100 दिन रहा तो 20 गुणे आप 100 कर सकते हो, आपके पास बल्क में क्वेश्चन आ जाएगा। अगर 20 क्वेश्चन आप डेली तैयार कर रहे हो, अगर 10 क्वेश्चन भी उससे फंस गया कैटेट में, तो आप समझ सकते हो 10 क्वेश्चन ना आपकी रैंक 500 से ना 50 पे ला सकती है और लाती है, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको डेली दूंगा। और दूसरी चीज इसमें देखिए, अब बात करेंगे फीस की। किसकी बात करेंगे, फीस की। अब तक तो आपकी बात किया, लेकिन अब अपनी बात करेंगे फीस में क्या कैसे है देखिएगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, फीस बहुत बेसिक होगा, ठीक है, आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए फीस की बात करेंगे, आपके सामने देखिए दिख रहा क्या, 4000 रुपए। तो टोटल फीस 4000 रुपए है। अभी से लेके कैटेट के पेपर जब तक नहीं आपका हो जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा कि मई में होगा कि जून में होगा, ठीक है, लोग यूट्यूब पे बताए भी होंगे, लेकिन उस चक्कर में हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि ना यूपी कैटेट के हम अधिकारी हैं, ना मैं पेपर कराऊंगा। अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई डेट की, कब होगा कैसे होगा, भाई कोरोना देख ही रहे हो, उसके चक्कर में कितना लेट हो जाए कुछ नहीं पता। जब तक नहीं होगा तब तक मैं आपके पीछे काम करूंगा, ठीक है, इस चीज का प्रॉमिस करता हूं। और दूसरी चीज, जैसे कि 4000 तो फीस है, लेकिन अभी भाई बैच अनाउंस कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको कुछ ऑफर देना चाह रहा हूं। ऑफर क्या है आप देखिएगा, जैसे कि ऑफर देखिएगा, जो ऑफर की बात होगी, अगर 10 मार्च 2022 तक आप एडमिशन लेते हैं तो आपको हम 1000 रुपए का डिस्काउंट देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अभी से लेके 10 मार्च तक, तो अगर आप एडमिशन लेते हो 10 मार्च तक, तो आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर 10 मार्च के बाद लोगे तो भैया कोई डिस्काउंट नहीं, तब आपको टोटल 4000 रुपए फीस इसमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 10 मार्च तक अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो आपकी टोटल फीस कितनी पड़ेगी, 3000। इस 3000 फीस में हम आपको क्या देने वाले हैं, पूरा क्लास देंगे, पूरा प्रिंटेड नोट्स देंगे, 25 फुल लेंथ टेस्ट देंगे क्वालिटी बेस पे, क्लासरूम टेस्ट देंगे। और कोशिश हमारी अभी आगे ये भी है कि हम आपको जो हमारा ऐप बन रहा है वो भी जल्द से जल्द बन जाएगा। मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा लेकिन कोशिश करूंगा, और लगभग 80% पूरा भरोसा है कि मैं उस पर काम कर ले जाऊंगा। मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी दूंगा, जैसे जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं प्रोवाइड करूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं ना करूं, सब करूंगा, क्योंकि मेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, बस क्या है हमें काम करना है। लेकिन यह है ना कि एक दिन में 10 घंटा काम नहीं कर सकते हैं, कहने को 10 घंटा मैं आपको 10 घंटा आपके लिए वीडियो नहीं बना सकता हूं, क्योंकि उसके वीडियो बनाने के लिए मैटर बनाना पड़ता है, मैटर बनाने के लिए 10 बुक पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं तब वो चीजें हो पाएगी। पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, पढ़ाने के लिए मैटर तैयार करना, टेस्ट आपका है 25 तो 200 का टेस्ट पेपर होगा, अब समझ सकते हो 25 × 200 कर लोगे कितना हो गया। अब वो पेपर बनाने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, क्वेश्चन में करेक्शन ना हो, कोई गलती ना हो, सारी चीजें करना पड़ेगा। तो आपकी फीस कितनी लगेगी, 3000 रुपए लगेगी। तो इतना आप समझ गए होंगे। इसमें और देख लीजिएगा, जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम से है, ठीक है, और हमारा टेलीग्राम जो लिंक है वो भी विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम से है। दोनों चैनल को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और विद्या एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। और हमारा डेमो क्लास अभी तक तो इंग्लिश में मैं दे रहा था, ठीक है, लेकिन अब इस बैच के लिए टोटल 100%
आपको हिंदी में बैस मिलेगा, इस चीज की आप कल परसों से ही आपको सारी चीजें दिखने लगेगी, ये सब सारी चीजें कल परसों से दिखने लगेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ये बैच टोटल मेरा ऑफलाइन है, आपको डेमो लेना है तो 20 तारीख से 5 तारीख तक आप डेमो ले सकते हो। सुबह 9 बजे से क्लास रहेगी हमारे यहां, तो मॉर्निंग 9 AM से आप डेमो ले सकते हैं 20 तारीख से 5 मार्च तक, 15 दिन की समथिंग, 14 दिन 15 दिन की आप डेमो ले सकते हैं। और 5 तारीख के बाद प्रॉपर बैच तो चलेगी 20 तारीख से, लेकिन 5 तारीख के बाद मैं डेमो किसी को नहीं दूंगा, आप आइए एडमिशन लीजिए, क्लास में बैठिए। दूसरी चीज, जैसे जो बच्चा मेरे यहां पढ़ेगा उसके लिए कुछ अनाउंसमेंट और करना चाहता हूं। अच्छे बच्चे के लिए, अगर आप मेरे यहां पढ़े, अब टॉप 10 में आप रिजल्ट निकाल दिए, यूपी कैडेट एग्रीकल्चर ग्रुप में टॉप 10 में अगर आपकी रैंक आई तो टोटल ट्यूशन फीस विद्या परिवार फिल देगी आपकी। ट्यूशन फीस का मतलब आप समझते हो, यूनिवर्सिटी में जाओगे सिक्योरिटी फीस लगती है, मेस सिक्योरिटी फीस लगती है, लाइब्रेरी फीस लगती है, बहुत सारी फीस है, उसमें जो आपकी ट्यूशन फीस होती है, जैसे CSM जो बच्चा पढ़ता है ट्यूशन फीस होती है 20,150 रुपए, ये फीस टोटल विद्या परिवार आपकी देगी आपके एडमिशन के टाइम पे। आप, मैं ऐसे नहीं बोल दे रहा हूं, ये यूट्यूब पे लाइव है और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहेगा, तो सारी चीजें आपके पास है, तो यहां पे बोलने की बात नहीं है, ये आगे किया भी जाएगा। देखिए, करने का मतलब ये है कि अच्छा बच्चा अगर मेरे साथ मेहनत कर रहा है तो उसका, उसको कुछ ना कुछ इनाम मिलना चाहिए। इनाम के रूप में मैं आज बोल रहा हूं तो आगे करूंगा भी, तो जितनी ट्यूशन फीस आपकी लगेगी पूरा विद्या परिवार देगा आपको, इस चीज की आज मैं यहां पे प्रॉमिस करता हूं। तीसरी चीज, जैसे जो बच्चा मेरे यहां पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, उसके लिए मैंने सारी चीजें बता दिया। क्या बताया आपको, क्लास देंगे और आगे कोशिश हमारी रहेगी रिकॉर्डेड मैं ऐप के माध्यम से आपको क्लास दूंगा, ठीक है, और वो सब लाइव क्लास होगी। आज मैं पढ़ा रहा हूं वही कल आपको वहां पे मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मैं 6 महीना 1 साल पहले वीडियो शूट करके रखा हूं वही चीज हम आपके सामने लाइव कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो टीचर पढ़ाएगा वही, और सारे टीचर जो हमारे हैं सब अपने आप में क्या बताऊं, बड़े अच्छे हैं, तो उनके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, किस शब्द से मैं कहूं कि कितने अच्छे हैं। आप आइए, उनके नॉलेज को, उनके पढ़ाने की स्टाइल को आप देखिए। बाकी YouTube के माध्यम से मैं आपको डेली अपना वीडियो और जो हमारे सर लोग हैं उनका भी वीडियो मैं लेके जरूर आऊंगा। जैसे कि अभी आपको इंग्लिश में क्लास मिल रही, बहुत बच्चे फोन किए, कॉल किए कि सर अब आप एक बार हिंदी मीडियम में आ जाइए, हम लोगों के लिए आ जाइए, तो अब वो दिन आ गया है। आज हमें लगा कि मैं आज से स्टार्ट कर सकता हूं, तो आज मैं आपके सामने हूं। 20 तारीख से सुबह 9 बजे आपका डेमो क्लास स्टार्ट है, तो 20 से 5 तक आप एडमिशन डेमो लेना चाहते हो तो डेमो ले सकते हो, एडमिशन इसके बीच में लेना चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हो। 10 तारीख तक आपकी फीस जो रहेगी 3,000 रहेगी, 10 तारीख के बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 4,000 फीस देनी पड़ेगी। इसकी वैलिडिटी क्या होगी, जब तक यूपी कैडेट का एग्जाम नहीं हो जाता है, एग्जाम तक आपको पूरा व्यवस्था देंगे, एग्जाम को क्रैक करने के लिए सारी चीजें जितना करना पड़ेगा वो चीज करूंगा। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमें करनी थी और सारी चीजें हम कर भी लिए बातें। तो इस वीडियो को अपने कॉलेज में, अपने इंटर कॉलेज या अपने दोस्त के ग्रुप में, कोई भी ग्रुप हो जो यूपी कैडेट VSU की तैयारी करना चाह रहा है उसके लिए, और फैला दीजिए हर जगह। और जैसे कि 20 तारीख से सुबह 9 बजे आप आइए, ऑफलाइन ज्वाइन करिए, डेमो लीजिए 15 दिन का, उससे अपने आप को और हमको चेक करिए। देखिए, टेस्ट सीरीज किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, टेस्ट सीरीज 25 टेस्ट सीरीज 3 महीने समथिंग 100 दिन में बहुत होता है, और मैं आपको क्लासरूम भी टेस्ट दूंगा, तो कहने का मतलब अगर आप जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। तो इस पे आप सोचिएगा और सोचने के बाद कुछ ना कुछ डिसीजन लीजिए, जुड़िए, और प्रॉमिस करता हूं कि आप जितना सोचे हो कहीं उससे ज्यादा करूंगा। अगर हमें 15 घंटा डेली मेहनत करना पड़ेगा, मैं आपके लिए 15 घंटा करूंगा। क्यों? क्योंकि आप ही हमारा फ्यूचर हो, आप ही हमारे फ्यूचर हो,
आप ही हमारे रिजल्ट हो, सब कुछ आप ही लोग हो, आप ही की देन है आज मैं यहां हूं और आप ही की देन है यहां से मैं और ऊपर जाऊंगा। सारी चीजें, टीचर तो एक माध्यम बनता, बाकी तो बच्चा ही सब कुछ करता है। तो इस वजह से तो आप लोग बैच को ज्वाइन करिए और सारी चीजें, एक नहीं 15 दिन बहुत होता है, 2-4 दिन के डेमो की बात नहीं, 15 दिन की डेमो की बात है। तो आप 15 दिन में एक एक टीचर को जज करिए और आपको स्पेशल क्लास भी देंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है कि सर हमारा ये सब्जेक्ट थोड़ा कमज़ोर है, मैं उस पर अलग से काम करवाऊंगा अपने स्टाफ लोग से कह के, तो एक एक चीज़ करूंगा। तो आज के लिए बस इतना हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।